दोस्तों देखिए, करेले के मचान को कैसे करके हम लोग इसे मचान से अलग करते हैं, जो कि हम लोग ठंड के दिन में करेले उगाए थे, लेकिन ठंड के दिन में करेला सक्सेसफुल तो हुआ नहीं है। इतना ठंड होने के कारण जैसे 5 डिग्री 7 डिग्री सेल्सियस में करेला होता नहीं है, फिर भी हम लोग ये जो मचान विधि किया था अक्टूबर महीने किया था, दिसंबर महीना आते ही करेले के जो ये बेल है, ये बेल का ग्रोथ होना बंद हो गया, यानी कि करेला 95% हुआ ही नहीं। तो इसलिए अभी तक ये करेला के पौधे थोड़ा मोड़ा जिंदा है, ये देखिए, लेकिन नहीं, हम लोग का नुकसान हुआ कि ठंड के दिन में हम लोग के इलाके में करेला होता ही नहीं है। जबरन करेला उगाए गए थे और ठंड के दिन में देखा गया कि रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, तो अतः आज अप्रैल महीना चल रहा है, इस समय तो अप्रैल महीने में हम लोग इसे जो ये देखिए पूरा एक बीघा में इस प्रकार से नेट फैला हुआ है। एक बीघा को हम लोग कैसे करके इस मचान से अलग करते हैं, इसका प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, आगे की प्रोसेस दिखाया जाएगा। सबसे पहले ये जो करेला का बेल है, ये जो करेला का बेल है, इसे मचान से इसको अलग कर देते हैं, पृथक कर देते हैं। उसके बाद फिर इसके ऊपर ये जो प्लॉट है लगभग 1 बीघा का ही है, तो इसमें जो बांस का जो खूंटा बोलते हैं, उसमें चारों तरफ ऐसा करके ये किया था। उसके बाद जो प्लास्टिक का रस्सी, ये देखिए वायर, प्लास्टिक का वायर, इसको देकर चारों तरफ मचान खड़ा किया था। तो इसमें प्लास्टिक का धागा देकर बॉर्डर को सेट किया था। इस बॉर्डर को चारों तरफ से खोलना पड़ रहा है, तो इसी प्रकार बॉर्डर को चारों तरफ से खोल के इस नेट को मचान से अलग कर दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग ये करते हैं करेला के मचान, ये देख सकते हैं, ये देखिए चारों तरफ बॉर्डर बांधा हुआ है, इस प्रकार का देखने को मिलता है। ये रहा, फाइनली दोस्तों इस प्लॉट का चारों तरफ जो बॉर्डर था, बॉर्डर जो बांधा हुआ था प्लास्टिक रस्सी से, उस प्लास्टिक रस्सी को काट के अब बॉर्डर जितना बांधा था सबको अलग कर दिया है। ये देखिए इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये रहा। तो अभी जो जाल को ऊपर में जो नेट होता है, उस नेट को ऊपर में बिछाया गया था, ये इस प्रकार का जो प्लास्टिक का ये धागा है, ये वायर, प्लास्टिक का वायर होता है, ये ऊपर में पहले ऐसा करके बांधा गया था बांस की सहायता से, उसके बाद इस जाल को ऊपर में बिछा दिया गया था, नेट को ऊपर में बिछा दिया गया था। अभी हम लोग का चारों तरफ बॉर्डर का काम कंप्लीट कर चुके हैं हम दोनों मिलके, अभी इस नेट को अभी सिमटने का काम किया जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग किस प्रकार का मचान बनाया था, तो हम लोग का तो करेला हुआ नहीं, इसलिए हम लोग अभी मचान को खोल रहे हैं दोनों मिलकर के। हम लोग इस नेट को मचान से 50% से ज़्यादा अलग कर चुके हैं, और थोड़ा सा बाकी है, लगभग और 40% बाकी है, तो अभी पूरा करते हैं। ऊपर में इस प्रकार से दिखाया गया था, हम लोग खोलते हैं।
दोस्तों ये देखिए हम लोग का ये जो नेट है 20 किलो का नेट है, यानी कि एक बीघा के प्लॉट में 20 किलो नेट करेले उगाने से 20 किलो नेट की ज़रूरत पड़ती है। ये रहा हम लोग का नेट, इतना तो का हम लोग खोल चुके हैं और थोड़ा सा बाकी है, वो अभी हम लोग का कार्य प्रगति पर है। ये रहा हम लोग का नज़ारा, ये देख सकते हैं, ये देखिए उधर पूरा बाकी, वहाँ तक बाकी है जो वीडियो में दिख रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग करेले के मचान से इस प्लास्टिक नेट को अलग कर चुके हैं। ये देखिए लास्ट है, अंतिम बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। ये इतना, ये देखिए हम लोग का करेले का मचान जो किया था इतना लंबा था इस प्लॉट का, वहाँ से जो उधर एक तो पेड़ दिख रहा है हरा टाइप का, वहीं से स्टार्ट है और लास्ट अंतिम यहाँ तक हो चुका है। यहाँ तक लास्ट ये बॉर्डर है, लंबाई का बॉर्डर, ये नीचे साइड है, उधर हो गया ऊपर साइड। ये रहा तो नेट को फाइनली हम लोग खोल के कंप्लीट कर चुके हैं, इतना तक पहुँच चुके हैं। ये रहा हम लोग का इतना सारा नेट फैला हुआ था एक बीघा में, इस प्लॉट एक बीघा का था। ये रहा फाइनली दोस्तों इस कड़कती धूप में जो हम लोग का करेले के एक बीघा में मचान था, उस मचान से इस प्लास्टिक नेट को अलग कर चुके हैं। ये रहा हम लोग का प्लास्टिक नेट, इतना धूप अभी जो पारा लगभग 45 डिग्री सेल्सियस में है तो इस नेट खराब हो जाएगा, इसीलिए इस नेट को अभी घर ले जाएंगे।